हेलो, सो आई टोल्ड यू गाइज अबाउट द बीच प्लान, राइट? तो अभी हम इधर आए हुए टू डू सम शॉपिंग फॉर द बीच प्लान, एंड उसके बाद आई अपडेट यू कि क्या सीन होता है. सो लेट्स गेट शॉपिंग टू पिक अप ऑल द ग्रोसरी जो हमें चाहिए. लेट्स सी, वी नीड एट लीस्ट 4 ऑफ दीज एंड 2 ऑफ दीज. की बोतलें आर ऑल्सो जस्ट एज इम्पॉर्टेंट एज द यू नो ड्रिंक्स. तो लेट्स लुक फॉर द डिस्पोजेबल प्लेट्स एंड स्टफ. कि वो कहाँ हैं? एंड वी आर फाइनली हियर टू गेट द डिस्पोजेबल प्लेट्स एज वेल. द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ शॉपिंग के ये वाली ये डिस्पोजेबल तो नहीं है, बट ये एक्रेलिक प्लेट्स ले लें ताकि बाद में भी काम आ जाएँ, या ये वाली ले लें बिकॉज वी हैव नो क्लू व्हाटसोएवर. These are obviously more expensive, these are not. The choice is hard. We finally ended up choosing these rose petal ones, and saath mein we also got these bags for whatever food is left over later. There's another choice. Glasses ke liye. Ke kaun se wale lene? Time to choose the spoons. I think ye chote hain thode zyada. Bade wale kahan hain? Do we have bade wale also? I don't think so. We have the tissues as well. Because obviously these are very important, तो हमें ये लेने पड़ेंगे. Obviously ये toilet वाले नहीं, something like this. ये वाला? हाँ ठीक है. So we've also gotten the दावत pack, tuck का. We're just keeping it here. We'll need soap. Lux नहीं, I think normal वाला कोई palm olive type का soap. Same price. And a lot of sunscreen too वैसे, because that is the most important thing. सभी use कर रहे हैं. So got a shampoo because हमें पता है कि रेत जब फंसती है बालों में, it's a very bad scene bro. Time for चाय का सामान. I think we should go ahead with this. ये size सही है? शादी ये size सही है? Everyday की जगह दूध लेता हूँ. Oh, everyday में ज़्यादा चाय बन जाती है. Everyday versus normal दूध की जो लड़ाई है ना, this is very crazy. Some people like everyday की, some people don't like everyday की. So. हंसा के रखे हैं. हाँ ये ले लेते हैं, फिर बेटर, एक ही काफ़ी होगा. डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बट एक्सपेंसिव. चलो थोड़ी बजटिंग करनी है तो यहीं कर लेते. लास्ट थिंग फॉर द टी, चीनी. एवरीवन ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ चीनी वाली. इवन द वाटर इज डन एंड ऑल ऑफ द अदर थिंग्स आर डन. रियलाइज आई डू नॉट हैव एनी टाइट्स और अ शर्ट जो पानी के अंदर जिसमें जा सकूँ. So there is quite a lot of stuff over here. Let's see if I find something from. रंगों में है शायद, सिलावा काले रंग में. Nope. No, no. Which one do we get? किधर है काली टाइट्स? ये है टाइट्स. Nope. 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 Never. Nope. Nope. क्या करूँ मैं? Now it's time for sunscreen and this is what I'm going. Hello. I tried to sleep. लेकिन ऑब्वियसली मुझे नींद नहीं आनी थी. आई वॉज जस्ट सो एक्साइटेड फॉर द पिकनिक. आई एम ट्राइंग टू टेल माई सेल्फ कुछ नहीं है, बस नॉर्मल सोना है, उठना है कल सुबह, चीज़ें करनी है, काम करना है, सो जाओ, ये सोच के सो जाओ. आई जस्ट कुडंट स्लीप. सो ही नहीं पाई. सुबह के 6 बज गए एंड एवरी वन सेट के हम 6:30 बजे तुम्हारे घर के बाहर होंगे. एज इफ, देखती हूँ मैं कौन 6:30 बजे मेरे घर के बाहर होता है. बट एनी वे, आई एम स्टिल अप एंड एवरीबडी एल्स इज स्लीपिंग. मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज भी किया. आई आस्क्ड एवरीबॉडी इफ एनीवन्स अवेक. नोबडी रिप्लाइड एक्सेप्ट फॉर 2 पीपल जिन्होंने अभी आना भी नहीं है. ऑल्सो आई नीडेड अ शावर बट आई डिडंट टेक इट बिकॉज बीच पे वैसे ही सारे बाल खराब हो जाने, फ़ायदा क्या शावर लेने का. एंड नाउ इज़ द टाइम जब मुझे एक्चुअल में नींद आने लग गई है. लाइक आई जस्ट फील लाइक स्लीपिंग बट आई कांट. ओ समबडी इज़ अप, समवन फ्रॉम द ग्रुप इज़ अप. Thank God, let me just see on. By the way, I just went on Instagram right now. और पता है मेरे साथ क्या होता है? Whenever I'm watching somebody's stories, जिसमें कोई भी बहुत accent बना के बोल रहा होता है, I suddenly catch that accent. So after I'm done watching a few very cool people's stories, I start talking like this. Then I go to Boo Boo and I tell her that we're getting late to go to the beach. How do people sing songs while they're talking? कैसे करते हैं? I mean, do they normally also talk like this?
आपके साथ कोई सीन होता है एंड यू आर सडनली लाइक ओ पिस एंड यू नो दैट्स जस्ट हाउ योर सेंटेंस स्टार्ट्स. खैर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ ऐसा नहीं भी होता, बट आई कैन नॉट इमेजिन बींग लाइक दिस विद माई फ्रेंड्स एंड टेलिंग देम दैट यू नो वी यूज्ड टू हैव सो मच फन इन कॉलेज. It's so tiring. So it's 6 o'clock and I'm still on my bed and I haven't been able to get up and just get my clothes out of the closet because I'm just so lazy, girls. Oh, Allah, this just gives me terrible anxiety just talking like this. I'm gonna catch this accent aur ab main pura din is tarah se baat karungi sabse. So sorry guys for doing this to you. But this is something that I usually do, so really sorry. I have to get ready, man. Bye. I think I got a little too much time on my hands. Main kuch zyada hi taiyar ho gayi hu. Like I feel a little like I'm going on somebody's birthday. Magar I'm thinking ki meri pictures bhi aa jayengi, so I guess it's fine. This is a really flowy, pretty dress. I should have not wasted it on the beach. Lekin beach ke alawa kahan achhi pictures aayengi? That's another thing. Lekin main bahut overdressed ho gayi hu. Allah mujhe aisa lag raha hai main kisi shaadi pe ja rahi hu. Although I only did my eyebrows, put some concealer, some blush and some lipstick. But that's what I always do. What am I saying? कोई बात नहीं, चलो. मेरे पास वैसे भी कम मौके होते हैं तैयार होने के, वैसे नहीं होते कम मौके तैयार होने के, but फिर भी सही है. Whatever. Trying to tell myself that it's okay. Is how ready I am. Hi, this is literally birthday level. Okay, I mean this is a little too much. Even I feel that. Is it or is it not? I don't. I think I still have a lot of time on me, so I changed my clothes again. Maybe this color is a bit more beachy and a little less formal than that other thing that I was wearing. Also, I'm nothing that is very casual beachy, but I think this has to do for now. Like this has to. I'm not really sure, but I feel like this is a bit more beachy, or maybe it was that one. I don't know. I don't have any informal clothes anymore, I guess. So I guess we'll have to do with this one. We are here at Boat Basin for our nashta. For anyone who doesn't know this already, जो भी टाइम कोई बताता है ना, कभी भी कोई टाइम पे नहीं आता. So that is one thing. And every beach plan starts with nashta at Boat Basin, जो कि अभी हो रहा है. And सारे late लतीफ अभी चलते हुए आ रहे हैं. आहिस्ता आहिस्ता. Everyone's here. आजो आजो. क्या खराब करोगे इसको? तुम नहीं आ रहे हो उसमें, मैं आ रही हूँ. तो it's okay. हाँ ले आओ. क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क क्या? देखो ये है एग्जैक्टली ये मिल्कशेक. पहले बोट बेसन हम आए हुए, पराठे ये वो. क्या कह रही है आपने, क्या खाने? मिल्कशेक खाने. हर जगह के उल्टा ऑर्डर है इसका. मतलब लुक एट द मेन्यू, मैं तो फुल मिल्कशेक ही खाओगी. ऑमलेट पराठा भी चाहिए? नहीं नहीं, नॉर्मल ऑमलेट पराठा. अंडा पराठा खाने मुझे, नॉर्मल लड़कों के साथ निकली हो भाई, शर्म. ये मेरे कमेंट्स के लिए छोड़ दो सारी कमेंट्री, तुम ना करो. दिखाने के लिए एक ही लड़की साथ ले आती, ले आए, के साथ ले आए. बुबू प्लीज लेके आई हूँ मैं. रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान आर यू मुस्लिम? मतलब क्या सिचुएशन है? मैं क्या सबको डिफेंड करती बैठू? मैंगोज ढूंढ रही हो इस टाइम पे तुम? अभी ढूंढ रही हो मैंगोज? क्या हो गया है डूड? टिड्डू व्हाट इज रॉन्ग विद यू? ये विंटर्स में कहेगी मुझे खाने हैं मैंगोज, और समर्स में कहेगी मुझे ऑरेंजेस खाने. ऑरेंजेस कहाँ से लाए? समर्स में तो ऑरेंजेस होते हैं. कहाँ होते हैं? चिकन चीज़ ऑल ऑफ आवर नाश्ता आ गया. देखो मजे मजे का सीन सारा. आई लाइक फाइनली हियर एंड समहाउ वी एंडेड अप लैंडिंग एट अ हट नियर द कोको कोला वाला हट. कोका कोला, अल्लाह आई नीड टू लर्न हाउ टू से इट करेक्टली. बट या हम उन्हीं के हट के साथ ही आ गए हैं समहाउ. आई हैड नो आइडिया दैट वुड हैपन दो, बट सीन्स बड़े मजे के लग रहे हैं. कोको कोला वालों का भी जो कैंपेन चल रहा है वो भी यहीं पे हो रहा होगा. हमारे हट के नेबर हैं ये लोग, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर गोना कम नाउ. थोड़ा सा ऑफ सीन हो गया है. तुम अभी बहुत छोटे हो गए हो एकदम से. इनको देखो जरा. पानी चढ़ने से पहले पहले पानी में मजे भी तो है. फुटबॉल पैर में और आगे आ रहा है. आगे हमारी पिक्चर ले लिए. मैं तो खुशी नहीं मिला. Pictures, Lily and everyone's shouting like,
बहुत हो गया काम धंधा, अब काम धंधा बंद करो, कपड़े बदलो सारे, पानी में चलो. सो आई गेस नाउ इट्स दैट टाइम. थैंक गॉड फॉर सनस्क्रीन. उफ, कम हियर टू पुट दिस हियर सनस्क्रीन एंड रेडी टू गो इनटू द वाटर वाला सीन हो चुका है. सो नाउ आई एम गोना कैच यू गाइस आफ्टर द फन. ओके बाय. सेम व्हाट्स अप, क्या सीन है भाई? पत्ती नाप रहा हूँ. पत्ती नाप रहे हो पर चाय बना रहे हो? कितने कप चाय बना रहे हो? दस. दस कप चाय बन रही है भाई यहाँ पे. फुल मजे का सीन हो रहा है, देख लो भाई. बहुत ही कोई क्रेजी वाला बिल्कुल मुंह पे आया हुआ है, विच इज वाई वी आर वेटिंग. और तो वेट करने से कोई फायदा नहीं होने वाला. आई थिंक वी शुड जस्ट गो फॉर इट. लेकिन पहले वी आर गोना हैव आवर टी सो वी कैन जस्ट चिल. फाइनली फूड टाइम. Check that out. I'm sure that you can understand कि इससे ज़्यादा मज़े की अभी कोई चीज़ नहीं हो सकती थी. Obviously मारूफ की टांगे नहीं. Talking about the biryani. Now it's officially time to say bye bye to this beautiful place. आज इतना मज़ा आया. Honestly this was amazing and the whole day just went perfectly. Oh my God, my lashes are going crazy. I can see that. Let us all just say bye bye to the beach as well. So I'm finally back home and I'm so dead. Like I cannot even tell you how dead I am right now. Abhi 9 bhi nahi baje hain and mere baal kaise phate hue hain literally. Oh acha. So I'm so dead right now. I just want to go to sleep. I knew it. Ye to mujhe pata hi tha ke literally matlab 2 din ke liye I will be out of energy once I go to the beach. Lekin it's okay. Aisa time tha when I could afford to take this gap. बिकॉज कोई इस तरह के काम पेंडिंग नहीं थे, कुछ नहीं था, नो इवेंट्स, नो फैमिली कमिटमेंट्स, नथिंग. एंड आई एम रियली ग्लैड टू टेल यू वन थिंग, द सनस्क्रीन दैट आई गॉट, द रिवाज वन, इट एक्चुअली वर्कड आउट. पता है इट वॉज SPF 60+ एंड इट वर्कड आउट सो वेल. एंड कंसिडरिंग के वो अंडर 400 एक बॉटल थी विच वॉज रियली बिग, इट वॉज अ ह्यूज बॉटल. लाइक वी वर ऑलमोस्ट 10 पीपल एंड ऑल 10 ऑफ अस यूज्ड इट एवरीवेयर. मतलब ऑन आर आर्म्स, ऑन आर लेग्स, ऑन आर नेक्स, बैक्स, फेसेस. एंड हर 2 घंटे बाद रीअप्लाई भी किया एंड येट हाफ ऑफ द बॉटल इज स्टिल देयर. आई गॉट 2 ऑफ देम विच वॉज ऑलमोस्ट 700 रुपीज़ येस्टरडे. एंड तब भी अभी एक बोतल मेरी पैक्ड पड़ी है. लाइक 1 ट्यूब इज कम्प्लीटली पैक्ड एंड द अदर वन इज लाइक हाफ देयर. सो इमेजिन हाउ वेल दैट लास्टेड. और अगर कोई नॉर्मल एवरीडे बेसिस पे यूज़ करे so that would actually help them so much. Like, and obviously it does have a white cast, it does, jo thoda sa annoying side pe ho jata hai, but I managed to apply it in a dabbing motion. Because sunscreen aap kabhi pherte nahi ho apne chehre ke upar, you just apply it like foundation and you just dab it in your skin, to wo khud hi khud apni whiteness ko thoda kam kar deta hai. And you have to apply a little less compared to how much you would apply, like पूरा भर के इस तरह ग्रे शक्लों वाला. साथ साथ अभी मैंने सबको सारी पिक्चर्स सेंड की हैं बिकॉज ऑब्वियसली आई एम पिक्चर्स की शौकीन. सो मैंने जल्दी से कार्ड भी ले लिया फ्रॉम माय फ्रेंड एंड आई टोल्ड हिम दैट आई विल ट्रांसफर द पिक्चर्स माय सेल्फ. एंड वो मैंने सबको भेज भी दी, अपने पास भी रख लिया उसका एक पूरा पोर्शन. सो आई एम सो डन, लाइक कम्प्लीटली डन नाउ. एंड आई गेस दैट इट्स टाइम फॉर मी टू गो टू स्लीप. Finally, I'm glad that my lashes stayed put. मतलब इतनी नमकीन लहरों में भी they didn't just fall off. That's a very big thing. Although उस वक्त कड़क तरीन हो गई थी, that's separate. But मैं vlog नहीं करना चाह रही थी उस वक्त. I just wanted to live in the moment and enjoy because बहुत time के बाद दोस्तों के साथ इकट्ठा होने का मौका मिला था to just have fun, to just relax and to just you know enjoy yourself. So it was a good day. Hey, I was just editing this vlog. I also have my editing hairband on because this is the only thing that keeps my hair away. Aur mujhe suddenly mera last vlog yaad aa gaya jo mere friends ke saath tha. It was a game night vlog of me playing charades with my friends sitting in a public place with 500 other people sitting at the same place, both girls and boys. And I posted that vlog which I had to delete for some other reasons kyunki usme kisi aur ki privacy invasion ho rahi thi in the background, so I couldn't re-edit it and upload it. Kisi din kar dungi. And suddenly my comment section was filled with comments like, are you Muslim, is this the Islamic Republic of Pakistan,
Is this what you're trying to teach the younger generation? How high unfollowing you right now, astaghfirullah. And then the last kind of comments which were so hurtful, ke ab humne ye dekh liya na vlog mein, ab ye kal iske naam ka hashtag mashhoor ho raha hoga, ke justice for this girl, because look, we can see that she's asking for it. Over what? Over just a very decent gathering of friends together playing a game. Now, if you live in the Islamic Republic of Pakistan, you might also know that the Islamic Republic of Pakistan is not an all ladies country. There are both genders available in this country as well. Mujhe ye samajh mein nahi aata ki bura kis cheez ke bare mein feel karane ki koshish hai, because in the Islamic Republic of Pakistan, we have co-education schools जहाँ पे हम अपनी स्टार्टिंग ऑफ लाइफ से लिटरली 15 या 16 इयर्स की उम्र तक पढ़ते हैं विद गर्ल्स एंड बॉयज, एंड वी आर टॉट द फैक्ट कि इट्स वेरी नॉर्मल, इनसे बात करना सीखो, इनको नॉर्मल समझना सीखो, लड़का हो है लड़की हो है ना करो, ताकि आगे जाके जिंदगी में यू डोंट रियली गो थ्रू दिस स्ट्रगल जो बहुत सारे लोगों को होता है कि हाय लड़कों के साथ बैठी हुई है. एंड आई ऑल्सो नो दैट आई एम नॉट अलोन हुज एवर बीन बैश्ड फॉर हैविंग मेल फ्रेंड्स और सिटिंग विद मेल फ्रेंड्स, बिकॉज आई नो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जिनकी लाइफ नॉर्मली वैसी है जिस तरह मेरी है, एंड दे हैव बीन बैश्ड फॉर इट. बट यू नो वॉट, आई एम हियर टू स्टैंड अप फॉर दोज पीपल एज वेल, बिकॉज टू मी इट्स जस्ट लाइक आई हैव ग्रोन अप विद बॉयज अराउंड मी, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, इंटर्नशिप हो, अगर मैं कोई जॉब करती होती तब भी मेरे मेल कॉलीग्स होते. सो आर यू रियली टेलिंग मी कि जो मैंने पूरा सिस्टम अभी आपको बताया है, एक बंदे की जिंदगी की 25-26 साल का एक सिस्टम, इसमें इट्स नॉट नेचुरल टू हैव मेल फ्रेंड्स और मेल एक्वेंटेंसेज और टू जस्ट हैव अ डिसेंट कैजुअल रिलेशनशिप विद द ऑपोजिट जेंडर, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कोई अनोखी बात है, सो आई एम रियली सॉरी टू टेल यू दैट नो, इट्स नॉट लाइक दैट. लाइक आई मेंशन बिफोर दैट नॉट ऑल फाइव फिंगर्स आर द सेम, दे कांट बी. हम एक खानदान में रहते हुए दो अलग अलग फैमिलीज को एक जैसा नहीं बोल सकते. दैट्स हाउ फार अपार्ट पीपल आर, क्योंकि हर किसी की परवरिश अलग तरीकों से अलग हालात में हुई होती है. हमें नहीं पता होता किसी भी लाइफ के बारे में, किसी के क्या गोल्स हैं, किसी ने क्या अचीव करना है, किसी की क्या बैक स्टोरी, आपको क्या पता, यू अंडरस्टैंड. सो मे बी ट्राई टू जस्ट बिल्ड दैट टॉलरेंस इन योर सेल्फ, कि अगर आपसे कोई डिफरेंट है तो आप उसको बुरा या अच्छा लेबल करने के बजाय कि दिस इज डिफरेंट गुड और दिस इज डिफरेंट बैड, आप उसको सिर्फ डिफरेंट के तौर पे एक्सेप्ट करें, टॉलरेंस लाएं कि एक्सेप्ट कर पाए, एंड देन जस्ट रिस्पेक्ट दैट एंड मूव ऑन. देयर इज नो नीड टू बी बिटर अबाउट इट, बिकॉज अगर आप इन चीजों पे बिटर हो रहे होते हैं, यू आर जस्ट एक्टिंग एज अ नेगेटिव पर्सन फॉर योर सेल्फ. दूसरे बंदे को फर्क भी नहीं पड़ रहा होता, दे डोंट केयर, देयर स्टिल लिविंग देयर लाइव्स द वे दैट दे डिड बिफोर यू हैड एन ओपिनियन अबाउट देम, इवन आफ्टर यू हैव एन ओपिनियन अबाउट देम. सो प्लीज जस्ट ट्राई टू ब्रिंग दैट टॉलरेंस इन योर सेल्फ, कि आप एक्सेप्ट कर सकें लोगों को और रिस्पेक्ट कर सकें, बिकॉज वी एज अ सोसाइटी रियली नीड दिस. एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे. बहुत बड़ा भाषण हो गया, आई डिडंट मीन टू गिव इट टू यू, बट इट्स जस्ट अ गुड थिंग दैट आई एम शेयरिंग विद यू ऑल. आई होप दैट सम ऑफ यू टेक दैट पॉजिटिवली, एंड द वंस हू कांट टेक इट पॉजिटिवली, व्हेन आई कांट हेल्प यू. ओके, बाय.